हेलो स्टूडेंट्स, तो एनसीईआरटी बुक का 4.17 लॉज ऑफ मोशन का मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ए न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस सो दैट इफ इट इज डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई द प्रोडक्ट्स मस्ट मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या कहता है कि न्यूक्लियस है, ये मैंने न्यूक्लियस कंसिडर कर लिया, इनिशियली इसका मास मैंने एम लेट कर लिया, और ये क्या कह रहा है रेस्ट पे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अभी कह रहा है कि ये दो पार्ट में डिसइंटीग्रेट हुआ, तो मान लेता हूँ कि दो पार्ट, इसका एक पार्ट इधर चला गया और एक पार्ट इधर चला गया, ठीक है। तो इसकी मास जो मैंने m1 मान लिया इसकी v1 वेलोसिटी, और इसका मास मैंने m2 मान लिया इसकी v2 वेलोसिटी है। नाउ अगर मैं इनिशियल लीनियर मोमेंटम निकालूं, इनिशियल लीनियर मोमेंटम pi, तो वो क्या हो जाएगा m इंटू वी, यानी v कितना है बड़े वाले मास के लिए, इसके लिए बात कर रहे हैं हम, तो m इंटू ज़ीरो, यानी इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। और अगर फाइनल लीनियर मोमेंटम मैं निकालूं तो मास इंटू वेलोसिटी और प्लस मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से दोनों क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है, फाइनल क्या है मेरे पास एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू है। अगर इनको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इस मुझे V2 कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ से, तो इस वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो M2 V2 इक्वल्स टू आ जाएगा M1 V1, और यहाँ से अगर मैं V2 की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वो क्या हो जाएगा M1 अपॉन M2 V1, ठीक है, माइनस का होगा ये इधर जाके। तो ये मेरे पास V2 की वैल्यू निकल कर आ गई, नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है, जो हमने पहले ही डायग्राम में लेट कर लिया था और पुट नहीं किया था कि ये इधर की तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे की वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है,